नमस्कार, इस वक्त की मेरी मौजूदगी एकता चौक के पास है। आप देख सकते हैं कि यहाँ किसान बिल विरोधी के बिल को लेकर के यहाँ धरना प्रदर्शन चल रहा है। यहाँ स्थानीय विधायक भरत बिन भी मौजूद है, उनसे हम बात करेंगे कि क्या ये सड़क जाम को लेकर के इनका क्या कहना है। नमस्कार, ये मुख्य उद्देश्य क्या है जाम करने का? किसानों के समर्थन में जो आंदोलन चल रहा है, हम लोग किसानों के समर्थन में खड़े हैं और जो तीनों काला कानून पास हुआ है उसको वापस लेने के लिए हमारा ये आंदोलन चल रहा है। महागठबंधन के सभी साथी लगे हुए हैं। हम लोग जब तक इसको वापस नहीं करा लेंगे इस बिल को, तब तक हम लोगों का आंदोलन इसी तरह चलेगा। अभी कब तक चलेगा इसको लेकर के कुछ पार्टी का क्या दिशा निर्देश है? ये मात्र जो है आधा पौन घंटा चलेगा, इसके बाद जो है हम लोग समाप्त कर देंगे। चूँकि बच्चों का परीक्षा चल रहा है, बच्चों के परीक्षा न प्रभावित हो इस काम को देखते हुए हम लोग 2 बजे खड़ा हुए हैं, 2:30 बजे तक हम लोग इसको समाप्त करेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये जो किसान आंदोलन जो तीन काला कानून जो पास कराया है मोदी सरकार, एनडीए सरकार ने, आप देख रहे हैं ना, 2.5 महीने से किसान जो है आंदोलित है। मैंने करीब करीब हम समझते हैं 500 सैकड़ों लोगों की शहादत हो गई, उसी के समर्थन में हमारी पार्टी महागठबंधन के लोग आज जो है सड़क पर हैं और जाम करने का निर्णय लिया गया है। आधा घंटे का जाम है और पूरे भारत में ये जाम चल रहा है और जब तक ये वापस नहीं लेगा तब तक हम लोगों का आंदोलन जारी रहेगा। और भी लोग हैं, इनसे हम बात करेंगे कि क्या इस आंदोलन को लेकर के क्या आप क्या होना चाहेंगे? देखिए, किसान का आंदोलन जो चल रहा है करीब 3 महीने से दिल्ली में, लेकिन केंद्र की एनडीए सरकार सुन नहीं रही है बल्कि उन पर दमन चला रही है, उनको जो है केसों में फंसा रही है। तो उनके जो है समर्थन में, किसानों के समर्थन में महागठबंधन जो है आज जो है चक्का जाम कर रहा है। क्योंकि भारत जो है में चक्का जाम का आह्वान किया है संयुक्त किसान मोर्चा की ओर से, उसके समर्थन में महागठबंधन के साथ ही आज खड़े हैं। आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हमारा देश कहा जाता है कि कृषि प्रधान देश है। इस देश की 70% आबादी कृषि पर निर्भर है, परंतु एक दमनकारी सरकार की गलत नीतियों के खिलाफ आज टोटल किसान और नौजवान दोनों एक लग रहा है कि गैर मुल्क में आकर बसे हुए हैं। इस प्रकार अत्याचार डबल इंजन की सरकार के द्वारा किया जा रहा है। इस ठंड भरी जाड़े के मौसम में लगातार किसानों पे इस तरह की दमनकारी नीति चलाकर कभी कील ठोका जा रहा है तो कभी पानियों की बौछार किया जा रहा है। मैं भर्त्सना करता हूँ और अगर सरकार इस कृषि कानून, तीनों कृषि कानून को वापस नहीं लेती है तो इससे भी बड़ा आंदोलन करने के लिए महागठबंधन बाध्य होगा। और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे, क्या आप कहना चाहेंगे? साथियों ने बहुत सारी बातें की हैं, हम कहना चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी किसानों के आंदोलन पर जो दमन चला रहे हो बंद करो और किसानों को बदनाम करना बंद करो, किसान आंदोलन को बदनाम करना बंद करो और किसानों को झूठे मुकदमा में फंसाने की साजिश बंद करो। नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री जो भारत के किसानों को, नौजवानों को, पत्रकारों को जो झूठा मुकदमा में करके फंसा रहे हो षडयंत्र करके, ये तुम्हारा नहीं चलेगा। पूरा देश किसान आंदोलन के साथ खड़े हैं और हम लोग भी आज पूरे देश के आंदोलन में साथ खड़े हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम यही कहना चाहते हैं कि आज जो है 72-73 दिन से किसान आंदोलन कर रहा है और उस किसान को आतंकवादी, खालिस्तानी, उग्रवादी कहा जा रहा है इस सरकार, निकम्मी सरकार के द्वारा, जिस किसान के बेटे आज देश की रक्षा करने के लिए सरहद पर अपने जान को न्यौछावर करने के लिए तैयार हैं, उस किसान को, उस जवान के बाप किसान को जो है आतंकवादी कहा जा रहा है, मैं इसकी कड़ी शब्दों में निंदा करना चाहता हूँ और इस सरकार को, निकम्मी प्रधानमंत्री को मांग करता हूँ इस आंदोलन के तहत कि अविलंब इस सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिए। देखिए, यहाँ खास तौर पर देखा जा रहा है कि गले में पट्टा बांध करके किसानों पर दमन बंद करो का बैनर लगा करके ये लोग खड़े हैं। यहाँ महिला भी है, उनसे भी बात करेंगे कि यहाँ उन लोगों की क्या राय है इसको लेकर के, आप क्या कहना चाहेंगे?
नरेंद्र मोदी जी जो तीनों कृषि काला कानून लेकर के आए हैं ना, उसको वापस करने के लिए हम लोग रोड चक्का जाम किए हैं। आप क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीता दास है। इसको लेकर के क्या आप क्या किस लिए यहाँ? हम लोग इसलिए खड़ा है कि जितना किसान है, किसान भाई लोग को मोदी करते हैं कुछ, करते हैं कुछ, गरीबों का कुछ दिखावा करते हैं, लेकिन साथ दे रहे हैं अंबानी और अंडानी का, है ना? तो आप किस लिए खड़ी हैं यहाँ? हम लोग इसलिए खड़े हैं कि अपना काला कानून वापस। काला कानून को लेकर के क्या आप जानते हैं? काला कानून को लेकर के हम लोग यही जानते हैं कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी जी बोलते हैं, हम गरीबों का या किसानों के खाते में इतना डाल रहे हैं, लेकिन एक तरफ किसान भाई लोग का जो आगे का जो बढ़ोतरी है वो सबको बंद कर रहे हैं। वो जितना भी खेत है या जो भी है वो अंबानी अंडानी जैसे बड़े बड़े घरानों के लोगों को वो देना चाहते हैं। तो किसान भाई लोग का जो भी मनमर्जी जो भी आज बेच रहा है, खरीद रहा है, ये सब बंद हो जाएगा।